सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ भाई, मैं फिर से आ चुका हूँ एक बार भाई, मस्त सा गेम प्ले लेकर। और भाई ये वीडियो होने वाली भाई एक मस्त से आयरन फार्म के ऊपर होने वाली है। तो भाई वो फार्म कैसा होने वाला भाई तुम लोगों को थंबनेल में पता चल ही गया होगा, नहीं पता तो मैं भाई बता देता हूँ। ये फार्म होने वाला है भाई बिल्कुल अपने गेमर फ्लेट भाई की तरह। क्या मैं वैसा फार्म बना पाऊंगा? नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? तुमसे ना हो पाएगा। नहीं लगता? मैं वो कोशिश करूंगा बनाने की, तो हो सकता है भाई वैसा ही फार्म बना पाऊं। मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा। और मेरे वर्ल्ड में भाई, इस एसएमपी में भाई अभी भी एक भी आयरन फार्म नहीं है जो सही से वर्क करता हो। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक आयरन फार्म बनाया जाए और अपने वर्ल्ड के लिए, अपने इस एसएमपी के लिए। और जो भी भाई एसएमपी को नहीं जानता, इस वाले एसएमपी को, तो भाई रात के 9 बजे आ जाए करो यार। वहां पर डेली लाइव स्ट्रीम वगैरह होती है, अपने वहां मजे करते हैं। और आजकल लाइव स्ट्रीम में बहुत ही खतरनाक चीजें चल रही है, और बहुत ही जल्द खतरनाक चीजें, बहुत ही मस्त चीजें होने वाली है। तो एसएमपी को शाम को मतलब आ जाएगा लाइव स्ट्रीम पे, और जो साथ में खेलना चाहता है भाई आके मेरे साथ खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। फ्री में होने वाला है पूरा का पूरा ये एसएमपी, कोई पैसे नहीं लेने वाला हूं भाई मैं तुमसे। और मैं पैसे लूंगा भी भाई तो कौन सा तुम लोग पैसे मुझे देने वाले हो? तो मैं तुम लोगों से पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आ जाना शाम को, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा एक लाइक कर दो यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तुम लोग जैसे देखोगे अभी आगे, तो इस बात एक लाइक तो बनता है। बाकी जो लोग यार चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। और कमेंट करके बताओ भाई मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो बाकी चलते हैं नीचे सबसे पहले, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, रात होने वाली है यहाँ पे। बाकी मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे एक जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पे अपने आयरन फार्म उसको बनाने वाले हैं। तो उस जगह को देखने के बाद ही भाई पता चलेगा कि अपना आयरन फार्म किस लोकेशन पे होने वाला। और आसपास तो नहीं बनाऊंगा यार मैं, क्योंकि आसपास बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे बनाना तो सही भी नहीं। जहाँ पे बता जितना बेस वगैरह है ना, जहाँ पे सारी चीजें बनाते हैं, अपना फार्म बना रखा है, मॉब्स फार्म वगैरह बना रखा है, सारी चीजें वहीं पे बनाएंगे। और बाकी ये अपना सेंटा क्लॉस है, ये मतलब पहली वीडियो इस एसएमपी की जो मतलब सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ी बहुत मतलब सारी चीजें दिखाऊंगा, बस थोड़ी बहुत चीजें दिखा देता हूँ। ये अपने सेंटा क्लॉस चाचा जो यहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं, यहाँ पे पूरी एसएमपी पे नजर रखते हैं कि कौन कौन क्या क्या चीजें कर रहा है। तो अब एक बार चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे पास बेड है क्या? हमें काम करता हूँ, पहले बेड देख लेता हूँ मेरे पास बेड है क्या, क्योंकि मेरे पास वूल वगैरह पड़ा हुआ है। काम करता हूँ, सबसे पहले रात हो जाए सुबह उठ के चलेंगे भाई जहां पर अपने बनाने वाले हैं अपना मस्त सा आयरन फार्म। तो जल्दी से रात हो जाए, उसके बाद सुबह मिलता हूं मैं आप लोगों से। ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है यहाँ पे, और चलते हैं भाई बाहर मस्त सी ताजी ताजी ठंडी हवा खाते हैं। और यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, और ये मेरा लांबा है भाई यहाँ पे बंधा हुआ है। बहुत बार भाई इसको तोड़ने की कोशिश करी सबने, लेकिन कोई भी भाई इसे तोड़ नहीं पाया है। और ये है अपनी एसएमपी हंटर, पूरा एसएमपी इसी के अंदर आज पहली वीडियो बनने वाली। तो इसी बात पर लाइक कर दो यार, जिसने भी लाइक नहीं करा है। और ये एसएमपी को भाई जिसको भी देखना है पूरा का पूरा, वो शाम को लाइव स्ट्रीम में आ जाए करो यार, 9 बजे से या 10 बजे से लाइव स्ट्रीम होती है, इसी के बीच में होती है। तो इसके बीच में अपने मस्त से सारे काम करते हैं, तो आ जाए करो, वहां पे काफी मजे करेंगे। बाकी मैं तुमको चल के दिखा देता हूं मैं कहां पे बनाने वाला हूं अपना आयरन फार्म। यहां पे रेड स्टोन टॉर्चेस लगी हुई है, क्योंकि भाई यहां पे पहले रेल वेल डाल दी थी एसएमपी के बंदों ने, लौंडों ने, क्योंकि यहां पे बहुत सारे काम होते रहते हैं यार एसएमपी में। तो जल्दी से चलो उस जगह पे दिखाता हूं भाई कहां पे अपने बनाने वाले आयरन फार्म। तो गाइस ये वाला एरिया होने वाला जहां पे मैं अपना फार्म बनाने वाला हूँ, ये स्पेस काफी ज्यादा सही। और यहाँ पे देख सकते हो एक मकड़ा घूम रहा है, इस मकड़े को मैं क्या मार सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है इस मकड़े को मार सकता हूँ मैं? एक काम कर, 2-4 फटके इसको देख के देख के मरता है कि नहीं फरता। और मकड़ी क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया है तू? आजा आजा लड़ ले थोड़ा सा। ओ भाई 2 शॉट में सीधे निकल चुकी है ये। तो यहाँ पे स्पेस काफी सही है, तो यहाँ पे अपने बनाएंगे उस फार्म को जैसा ग्रेमर फ्लीट भाई ने बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था उन्होंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई उन्हीं की तरह बिल्कुल बनाया जाए, बल्कि यार मैं तो चाहता हूँ भाई वैसे के वैसा बन जाए, तो ये काफी मजा आ जाएगा अपने को। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो अपने को सारा सामान चाहिए होगा, वैसे कोवर स्टोन वगैरह चाहिए होगा, और वहां पे रेड कॉन्क्रीट वगैरह यूज करने वाले हैं। ऊपर लगेगा चेस, लगेगी लावा, लगेगा सारी चीजें लेकर आनी है। तो जल्दी से चलते भाई सारा सामान लेकर आ जाते हैं। और भाई सारा सामान मैं लेकर क्यों नहीं आया भाई? मैं तो सारा सामान घर में मतलब सारी चीजें लेके ग्राइंड करके रखी हुई थी, बस मेरे को लावा लेकर आना है। तो लावा लेने चलते हैं, उसके पहले बकेट लेकर आता हूं, उसके बाद लावा लेने चलते हैं। मेरे पास वहां पे बकेट पड़ी हुई है ना, एक काम करता हूं पानी को यहीं फेंक देता हूं और सीधे चलते हैं भाई लावा लेने के लिए। क्योंकि भाई ये जो माइनिंग
माइनिंग एरिया है अपना, ये भाई भाई अपना माइनिंग एरिया है, यहाँ पे अपने को लावा मिल जाएगा नीचे। तो चलते भाई यहाँ से लावा लेकर आ जाते हैं और अपने जाएंगे, उसके बाद वहाँ से पानी की बकेट लेके वहाँ से पानी ले लेंगे। ओके यहाँ पे आ चुके हैं नीचे, मुझे लावा यहीं पे आसपास ही मिल जाएगा, मैंने देखा था कहाँ पे था लावा यार। ओके ये रहा लावा भाई, यहाँ से मैं एक बकेट ले लेता हूँ, ठीक है इतने से काम हो जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल गया देख सकते हो यार, क्योंकि मैंने मुझे पता था यहाँ पे लावा है। तो लेके चलते हैं इसको अपने भाई घर की तरफ, वहाँ से अपना सारा सामान उठाते हैं और उसके बाद अपना फार्म का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सारा का सारा सामान अपना लेकर आ चुके, तो भाई मुझे ये वाले एरिया में अपना फार्म बनाना है, आयरन फार्म। तो एक काम करता हूँ, मुझे स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जगह देखनी पड़ेगी कैसे मतलब अपने को बनाना है। एक काम करता हूँ, मैंने रेड कॉन्क्रीट ही लिया है, जैसा भाई भाई ने लिया था वैसे ही अपने को बनाना है, बिल्कुल मस्त जैसे ही बनाया था, क्योंकि मुझे वैसे ही फार्म बिल्कुल अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई वैसे ही बनाया जाए। तो अपने को 9x9 का एक मस्त सा स्क्वायर बनाना है। एक काम करता हूँ यहाँ से बनाने स्टार्ट करता हूँ, ये वाला एरिया सही रहेगा क्या रहेगा मुझे नहीं पता, फिर मैं सोचता हूँ आगे को बनाऊं, क्योंकि अगर पीछे को बनाएंगे तो पीछे का एरिया पूरा का पूरा बीच में बनाएंगे कवर हो जाएगा, आगे रहेगा तो भाई कोई भी यूज कर सकता है आसानी से। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से सही रहेगा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 ब्लॉक हो गए, ऐसे मुझे 9 ब्लॉक इधर करके लेके जाना और इसको बिल्कुल ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे करके मैं जल्दी जल्दी से इसको भी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
लग रहा है मुझे वैसे तो यार काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, फिर भी कोई नहीं भाई, जैसा भी बनाया था वैसे ही सेम हम डिट्टो बनाने वाले अपने। और यहाँ से भाई दो तीन ब्लॉक को छोड़कर यहाँ से अपने को आगे करना है, एक दो तीन, यहाँ चौथे ब्लॉक से अपने को करना है एक, यहाँ से देख नहीं रहता हूँ, एक दो तीन चार, चौथे ब्लॉक से करना था यार, मैंने एक ब्लॉक ज्यादा कर दिया, एक काम करो इसे तोड़ो, इसको मुझे ऐसे ही लेके जाना है आगे, तीन ब्लॉक लेके जाना है, ओके दो तीन, उसके बाद मुझे ऐसे ही करके इसको आगे लेके जाना है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक ब्लॉक आगे, और इसको मुझे यहाँ से ज्वाइन कर देना है, ठीक है ओके। ये भाई पूरा का पूरा बन गया, इतना स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, जैसा देख सकते हो ये बिल्कुल सही बना है नहीं बना है, एक बार मुझे खुद देखना पड़ेगा भाई कैसा बना है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ भाई ये कैसा बना हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर ये वाला। ओके ये ठीक बना है, बस थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको मैंने सही कर दिया है भाई बिल्कुल मस्त तरीके से, मुझे लग रहा है सही स्ट्रक्चर बिल्कुल बना हुआ है। और मुझे ऐसे ही करके इसको एक ब्लॉक और ऊपर करना ही, काम करता हूँ ये भी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, और मेरे पास कॉन्क्रीट भी खत्म हो रही है रेड वाली यार, इसको भी लेकर आना पड़ेगा, एक काम करता हूँ सबसे पहले कॉन्क्रीट ले आता हूं बहुत सारी, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई ऐसे बीच बीच में जाके भाई मजा नहीं आता, एक काम एक बार काम फ्लो शुरू हो जाता है तो भाई पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही मजा आता है, तो जल्दी से चल के भाई कॉन्क्रीट ले लेते हैं। यहां पे सारी की सारी कॉन्क्रीट मैं लेकर आ चुका हूं, जितनी भी भाई मेरे पास पड़ी हुई थी ना मैं सब लेके आ चुका हूं, अब भाई मेरे से इतने इससे ज्यादा मेरे पास भी कॉन्क्रीट नहीं बची है, मेरे ख्याल से इतने में काम तो हो ही जाएगा, देखते हैं भाई कितनी कॉन्क्रीट अपने को लगती है, तो जल्दी जल्दी से सारी की सारी कॉन्क्रीट अपना यहां पे लगा देते हैं, फिल कर देते हैं, और देखते हैं भाई उसके बाद अपना कितना स्ट्रक्चर बचता है भाई आगे का काम करने के लिए। और यहाँ पे रात भी होने वाली है तो मुझे लगता है यहाँ का इतना स्ट्रक्चर तो कंप्लीट कर ही देना चाहिए। ओके मैं इसको तोड़ लेता हूँ, ओके ये हो गया ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, अरे आराम से यार आराम से, ठीक है यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, ऐसे मुझे ये वाला भी कंप्लीट करना है तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर बेस मतलब जो कंप्लीट करना था ये भी हो चुका है, और मुझे करना है क्या है ना, एक एक ब्लॉक जो ये बाहर वाला है ना इसको एक एक ब्लॉक मुझे और ऊपर करके लेके जाना है, तो इसको एक काम करता है एक एक ब्लॉक और ऊपर कर लेता हूँ, और इसको भी जल्दी जल्दी सारा फिल कर देता हूँ, चलो करते हैं इसको जल्दी जल्दी से। तो ये वाला पूरा का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से भी भाई एक ब्लॉक ऊपर कर दिया, और अपने को करना क्या है ना अब इसको बीच में से अपने को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना कैसे है एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ से आराम से। ओके मुझे यहाँ से ऐसे इसको डिवाइड करना है आराम से नीचे से, ठीक है हो जाएगा ओके हो जाएगा, ठीक है ये हो गया, एक काम करता हूँ मुझे ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ये हो गया, ओके ये हो गया, इसको भी कर दो, और इसको मुझे ऐसे ऊपर से फिल कर देना है इसको, ओके रात हो चुकी है, काम करता हूँ मैं सबसे पहले सो जाता हूँ यार, वरना बहुत ज़्यादा मॉब्स वगैरह स्पॉन हो जाते हैं। तो फाइनली सुबह हो चुकी है, जैसा देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छी सुबह के साथ भाई अपने मस्त तरीके से पूरा मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीट कर चुके हैं, और अपने को करना क्या है सबसे पहले ना यहाँ पे एक मतलब बेड डालना, और मेरे पास वाटर भी तो था मतलब वाटर बकेट भी तो थी, अच्छा ओके मेरे पास यहाँ पे बकेट है, मैं एक काम करता हूँ वाटर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि अपने को बार बार ऊपर आना पड़ेगा तो वाटर की जरूरत तो पड़ेगी यार अपने को, एक काम करता हूँ वाटर ले लेता हूँ, ठीक है इससे हो गया, इससे काम हो जाएगा, ओके मैं यहाँ से वाटर ले लेता हूँ, ठीक है
एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से नीचे जैसा भी मतलब बनाया था, एक मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक बोट भी चाहिए होगी। वैसे बोट तो अपने को मिल जाएगी, बोट ले आएंगे। एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे बेड डालना है, तो बेड कैसे डालना है वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे एक टीन बेड डालना है मुझे ऐसे तीन करके। तो एक काम करता हूँ, इसको भी ऊपर रख लो, उसको इसके इसको यहाँ पर रख लो और इसके नीचे रख लो, ठीक है। ये हो गया, मुझे ऐसी करके तीन बेड डालने हैं, ये हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, तीन बेड यहाँ पर हो चुके हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे सबसे पहले उस तरफ एक बोट डालनी है, तो एक काम करता हूँ वो बोट भी डाल देता हूँ वहाँ पे। अरे यार देख रहे हो कितने आराम से, मतलब देखो आरास आ सकता था लेकिन पानी लेना भूल गया। वाह, मतलब देख रहे हो पानी लेना भूल गया वहाँ से मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक ब्लॉक लगा के आ जाऊँगा मैं, इसको तोड़ देता हूँ। अरे यार अपनी एक्स कहाँ गई, यहाँ पे है, ठीक है। इसको रखो या नीचे, इसको तोड़ दो, इसको बाद में ले लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से पानी ले लो यार, सबसे पास ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की, क्योंकि यहाँ पे बेड लग चुका है। और सबसे पहले अपने को एक बोट बनानी है यार, बोट तो बना ही नहीं। और क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, क्राफ्टिंग टेबल तो मैं लेकर ही नहीं आया। चलो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तो एक काम करता हूँ बोट बना के भी ले आता हूँ यार, इतने सारे काम करने पड़ते हैं यार। चलो कोई नहीं, बोट बना के ले आता हूँ जल्दी से। ओके अपनी बोट तो बन चुकी है, यहाँ पे रेडी हो चुके। काम करता हूँ, यहाँ पे वाटर डालो इसके ऊपर। ओके ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ओके यहाँ पे आ चुके हैं, पानी यहाँ से उठा लो, ठीक है हो गया। अपने को करना क्या है ना, यहाँ पे बोट डालनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जॉम्बी वगैरह को स्पॉन करेंगे या फिर जॉम्बी वगैरह को लेकर आएंगे यहाँ पे, तो भाई उसका बिल्कुल जो फेस होना चाहिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ताकि मतलब विलेजर्स उसको देख के भाई डरे, उनकी फटे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो एक काम करते हैं नीचे चलते हैं और उसको बोट को यहाँ रखते हैं, ठीक है। ओके बोट को यहाँ मैं रख देता हूँ, ठीक है, इस पर बैठ जाता हूँ। अब मुझे सीधा चलना चाहिए, अब ठीक है, अब बोट बिल्कुल ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल विलेजर्स के मुंह के अंदर रहेगी, तो यहाँ पे सही रहेगा। और उनको देख के भाई विलेजर्स की बिल्कुल फटेगी अच्छे से, बहुत तरी अच्छी वाली, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पे जॉम्बी भी स्पॉन, मतलब जो जॉम्बी रहेगा उससे देख के अपना फार्म जो है ना बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो सबसे पहले अपने को करना क्या, यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी हैं, उसके बाद अपने को चाहिए भाई यहाँ पर लावा वगैरह भी चाहिए, फैंस वगैरह सारी चीज़ें अपने पास है। एक काम करता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई है वैसे यहाँ पर, और विलेजर्स का भी देखना पड़ेगा जुगाड़, विलेजर्स को कहाँ से लेकर आएंगे। वैसे यहाँ पे जो ट्रेडिंग हॉल है ना ये वाला, जिसके अंदर भाई बहुत सारे विलेजर्स है, और यहाँ पे भाई एक हॉल हुआ करता था ट्रेडिंग हॉल, इसके अंदर भी विलेजर्स हुआ करते थे। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले विलेजर्स यहाँ से लेकर आ जाऊँगा किसी तरह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विलेजर्स है। मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरी रेल बिछानी पड़ेगी, तो उसका भी काम कर देंगे जल्दी से। तो सबसे पहले ये वाला काम निपटा देते हैं, नीचे चलो, नीचे चलो आराम से। अपने को यहाँ पे स्लैब लगानी है, तो स्लैब का काम भी है यहाँ से स्टार्ट करते थे, काम करते हैं ऊपर चलो, यहाँ से इसके ऊपर स्लैब लगानी है, ताकि यहाँ पे भी कोई भी मॉन्स्टर वगैरह स्पॉन ना हो सके, जॉम्बी वगैरह। स्लैब से ये रहता है कि भाई यहाँ पे कोई भी स्पॉन नहीं हो सकता, और यहाँ पे कोई भी हम सामान भी नहीं रख सकते हैं, तो स्लैब लगाने का एक बेनिफिट ये हो जाता है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसका, और स्लैब उसको पूरे में लगाना है, पूरा का पूरा। अरे यार आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, बार बार गिर जाता हूँ मैं। काम करो ऊपर चलो, ओके चलो चलो चलो, पानी ले लो, ठीक है। और मुझे स्लैब यहाँ से लगानी है, ओके यहाँ से भी लगा देता हूँ, काम करता हूँ सारी की सारी। और स्लैब से भाई तुम्हें पता ही है कोई भी स्पॉन नहीं हो सकता, मुझे स्लैब ना इसके चारों तरफ भी लगानी है, यहाँ से भी लगानी है, ओके ये भी लगानी है। स्लैब कम ना पड़ जाए यार, स्लैब कम पड़ जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे आस पास कहीं मेरा घर है, तो वहाँ जाना पड़ेगा सारा 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 सामान लेने के लिए। तो चलो चलो इसको ही बना लेते हैं, कम्प्लीट हो ही जाएगा, वैसे स्लैब की कमी नहीं पड़ेगी। मुझे वैसे स्लैब नीचे भी लगाना है, तो उसको भी बाद में लगा लेंगे, पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्लैब तो इतनी खत्म हो गई, मेरे पास वैसे एक स्टैक और भी है स्लैब का, 38 मतलब 38 स्लैब है, तो इतने में काम हो ही जाएगा। उसके बाद मेरे को करना क्या है ना, यहाँ से इसके अंदर चलते हैं और मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है। रेड कॉन्क्रीट है मेरे पास, क्या बची हुई है? ओके मेरे पास रेड कॉन्क्रीट बची हुई है, यहाँ से ऐसे डायगनल में मतलब यहाँ से मुझे एक ब्लॉक लगाना है, एक यहाँ पे, एक दो, और मुझे यहाँ पे फैंस लगाने। तो एक काम करता हूँ, फैंस भी मैं लेकर ही आया था, फैंस गेट का यूज़ करने वाले हैं हम, काफ़ी ज़बरदस्त फैंस गेट है, बिल्कुल सैया कालर वाला फैंस गेट है। एक काम करते हैं इसे क्राउच करके यहाँ लगा देते हैं, ओके एक यहाँ पे और एक इसके बगल में, आराम से लग जा यार लग जा। फैंस तो यहाँ पे लग चुके हैं, अब मुझे करना क्या है कि चारों तरफ से बस पानी डालना, और पानी डालते ही भाई एक तरफ से सारे मतलब सारे इक्वल पानी डालना। और एक काम करना है मुझे भाई, पानी लेकर आना पड़ेगा बार बार, क्योंकि भाई मुझे यह एक काम करता हूँ, यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकता हूँ क्या? मुझे दो बकेट वाटर लगेगा फिर भी, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बनाऊँ ना बनाऊँ, एक काम करता हूँ पानी लेकर आ ही जाऊँगा यार, मेरे पास पानी तो हो ही जाएगा, बगल में ही नदी है पूरी की पूरी। तो जल्दी जल्दी इसके अंदर पानी डाल देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ भाई ये कैसा बन के तैयार रेडी होने वाला है। बस एक तरफ से भी पानी डाला हुआ है, तो वो सारा भी काम हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले पानी ले आता हूँ जाके वहां से।
यहाँ पे यार पानी का काम भी सारा का सारा हो चुका है। मैंने सारे कोनों से पानी डाल दिया और भाई मैं किसी भी तरफ खड़े हो जाऊँ ना सीधे भाई फ्लो में यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे फैंस के पास आ जाऊंगा। एक काम करता हूँ तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ और यहाँ से बहते हुए भाई सीधे फैंस के पास आ जाऊंगा। और मुझे करना क्या है ना, इस फैंस के चारों तरफ मुझे नीचे 21 ब्लॉक था भाई, मुझे माइनिंग करनी है। क्यों करनी है भाई वो तुम्हें पता चल जाएगा आगे। तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार जल्दी से। काम करता हूँ यहाँ से खोदना स्टार्ट करता हूँ। दो, एक काम इसको भी करना है यहाँ से यार। तीन, ओके ये हो गया। 1 2 2 और मुझे ऐसे काउंट करना है तो 21 ब्लॉक तो कर लेता हूँ। 2 हो गया। 3 3 ओके यहाँ पे मैं 21 ब्लॉक तक नीचे आ चुका हूँ। देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा हाइट है। यहाँ से भाई कोई भी आयरन गोलम गिरेगा ना भाई तो उसकी चटनी बनने वाली बहुत खतरनाक तरीके से। तो अपने को करना क्या, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस बना लेता है। काम करता हूँ, देखो इधर को अपना क्या है बोलते हैं, इधर अपना माए वो है अब लेजर का घर वगैरह है तो इधर तो नहीं करेंगे, इसके सामने ही करेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं यहाँ पे अपना पूरा का पूरा मस्त तरीके से एक बेस बना लेते हैं जहाँ से अपने को भाई दिक्कत ना हो भाई काम करने में। यहाँ से अगर आते भी हैं आयरन वगैरह लेने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को सवल की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डर्ट वगैरह भी काफी हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है रात भी हो रही है भाई। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी से माइन करना पड़ेगा, ये सारा का सारा बेस अपना बनाना पड़ेगा ताकि जल्दी से सो जाओ क्योंकि यहाँ पे अगर मॉब्स वगैरह स्पॉन हो गए ना भाई तो बहुत गंदा वाट लगने वाली अपनी। तो मॉब्स वगैरह से स्पॉन होने से पहले भाई अपना काम निपटा लेंगे जल्दी जल्दी से। ओके यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और मुझे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक चेस लगानी है। तो अब चेस अपने पास पड़ी हुई है, चेस मैं लेकर आया था तो ये रही चेस। इसको काम करते हैं यहाँ पे चेस को प्लेस कर देते हैं। ओके क्राउच कर लो, यहाँ पे लगा दो। अरे यार अलग अलग क्यों लगा दी, अब चेस को तोड़ो यार, अलग अलग करने में यही दिक्कत होती है। आ जाओ आ जाओ। ओके मैं काम करता हूँ इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके चेस लग चुकी है, मुझे लग रहा है रात भी हो रही है और अपने पास बेड है। ओके भाई एक एक्स्ट्रा बेड अपने पास बचा हुआ है, बहुत सही बात है। काम करते सो जाते हैं उसके बाद सुबह उठ के आगे का काम करते हैं। ओके यहाँ पे सुबह हो चुकी है और अपने को करना क्या है यार, अपने को अब लगाने हैं यहाँ पे हुपर्स। तो यहाँ पे अपने हुपर्स लेकर आए थे भाई, 5 हुपर्स लेकर आए थे, इतने में काम तो हो ही जाएगा। तो एक काम करते हैं सबसे पहले हुपर्स लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं हुपर्स एक। ओके यहाँ पे एक हुपर लगाते हैं, एक हुपर यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे क्राउच करके एक हुपर लगा दूंगा आराम से, बिल्कुल मस्त तरीके से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। ओके एक हुपर यहाँ पे लग चुका है और एक हुपर मुझे ऐसे यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ये कलेक्ट हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कोई चीज़ फेंक के देखता हूँ यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी। ओके चली जाए अंदर, चली जाए यार अंदर चली जाए। ओके यहाँ पे ऊपर फेंकता हूँ मैं, ठीक है गई। ओके चेस में आई क्या, कहाँ गई ऊपर में क्या, किसी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके इस वाले हुपर में था ये, तो मेरे को देखना पड़ेगा हुपर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक काम करता हूँ नीचे से माइन करके देखता हूँ यार कि हुपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक काम करो इसे फेंको यार नीचे। अरे डर्ट उसको डाई को नहीं फेंकना था यार, डाई को नहीं फेंकना था, हुपर क्यों फेंक दिया मैंने, हुपर क्यों फेंक देता हूँ यार इसको, फालतू चीज़ें फेंको ना इसको। हाँ ओके मुझे लगता है यहाँ से माइन करके देखना पड़ेगा नीचे से जाके मुझे। चलो चलो चलो। ओके यहाँ हुपर तो बिल्कुल सही लगा यार, देख सकते हो हुपर की डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे हुपर भी बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है तो इसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आराम से चेस के अंदर आ जाना चाहिए वैसे आयरन सारा का सारा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको सारा का सारा पहले मैं फिल कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मेरे पास काफ़ी सारा हो चुका है, इसको फेंको। एक काम करो 64 हो चुके हैं मेरे पास कोल स्टोन भाई, जब कोल स्टोन की चाहिए होती है तब कोल स्टोन नहीं मिलता है, वैसे कोल स्टोन भाई भर भर के मिल रहा है यहाँ पे आज। तो इसको भी लगा दो यहाँ पे, ठीक है ये लग चुका है, यहाँ पे लगा दो, सारा फिल कर दो यार। एक काम करो ना यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना अपने को, ये भी फिल हो चुका है, ये भी फिल कर दो, ठीक है ये हो चुका है सारा का सारा। अपने हुपर्स वगैरह भी लग चुके हैं यहाँ पे और अपने को करना क्या है कि यहाँ पे जो साइन बोर्ड लेकर आए थे, यहाँ पे 2 साइन बोर्ड है यार अपने पास, अपने को चाहिए था यहाँ पे कम से कम 4 साइन बोर्ड तो चाहिए ही था यार यहाँ पे साइन बोर्ड। तो एक काम करता हूँ, एक काम सबसे पहले 2 साइन बोर्ड लगा देता हूँ, उसके बाद ऊपर जाके भाई 2 साइन बोर्ड और लेकर आ जाऊँगा मैं। तो अपने को साइन बोर्ड लगाना कैसे, ओके यहाँ पे लगाना है मेरे को साइन बोर्ड, ऐसे ही लगा देना है। और मुझे करना क्या है ना, इसके पहले ऊपर लावा छोड़ना है। तो एक काम करता हूँ मेरे पास ग्लास भी थे ना, ग्लास मैं नीचे रख लेता हूँ क्योंकि भाई लावा छोड़ते भाई ग्लास के लगाना जरूरी है, वरना अपनी चेस वगैरह जितनी भी है सारी की सारी यहाँ पे बह जाएंगी। तो अपने को करना क्या है, यहाँ से ऐसे लावा छोड़ देना है। ओके यहाँ पे लावा छोड़ दिया और यहाँ पे भाई ग्लास में लगा दो, बह जाएगा वो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओके 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 यहाँ पे भाई लावा काम अपना बहुत सही कर रहा है, मुझे यहाँ से ग्लास सही से लगाना पड़ेगा। ओके ये ग्लास का हो गया काम और चेस अपनी खुल रही है क्या, ओके अपनी चेस भी बहुत सही से ओपन हो रही है। अब क्या होगा ना, जो भी आयरन गोलम वगैरह आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे गिरेंगे और यहाँ पे जल के भाई बहुत गंदी मौत मरने वाले हैं। और यहाँ पे काम करूंगा ना, यहाँ पे चेस वगैरह भी मेरे पास है क्या एक्स्ट्रा, ओके यहाँ पे एक्स्ट्रा चेस है क्या करूंगा उसको रख के भी। एक काम करूंगा यहाँ पे डेकोरेशन के लिए भी मस्त
से चेस वगैरह भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक काम करो, सबसे पहले इसको तोड़ो यहाँ से, थोड़ी सी जगह तो बनानी चाहिए, स्पेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और टार लालटेन भी यहाँ पे लगा रखी है मैंने, तो यहाँ का काम तो हो गया नीचे का। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, ऊपर का काम करना है अपने को। अभी करना क्या है भाई, विलेजर्स को लेकर आना है और एक जॉम्बी को भाई लेकर आना है। तो भाई रात को बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है, अभी तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं और भाई ऊपर का काम स्टार्ट करते हैं अपने चल के। तो यहाँ से मुझे एक लिफ्ट बनानी पड़ेगी वैसे, तो लिफ्ट बनाने के लिए अपने को करना है यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे अंदर कर देता हूँ इसको, ताकि भाई नीचे भी जब भी मैं वैसे वाटर डालूँ तो यहाँ पे वाटर बिल्कुल फैले ना, बिल्कुल सही तरीके से भाई नीचे को आए। यहाँ पे काम करता हूँ, इसको भी ब्लॉक लगाता हूँ बीच में से, ठीक है ये सही रहेगा। यहाँ पे जाने का आने का हो जाएगा, यहाँ से जाने का मतलब यहाँ से नीचे आने का हो जाएगा और यहाँ से जाने का हो जाएगा ऊपर, तो पानी का फ्लो ऊपर रहेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से तोड़ते हुए मेरे को जाना पड़ेगा यार ऊपर तक, तो जल्दी से चलते हैं तोड़ते भाई, आप लोगों से मैं सीधे मिलता हूँ ऊपर को। तो भाई फाइनली 2-3 घंटे की मेहनत के बाद भाई इन विलेजर्स को भाई मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ भाई इस बोट के थ्रू, पानी के थ्रू यहाँ पे। और तीनों विलेजर्स को भाई लाने में कम से कम भाई मुझे 2-3 घंटे लग गए हैं। और भाई इस रास्ते से, पानी के रास्ते से, पुल के नीचे से भाई इस ट्रेडिंग हॉल से मैं लेकर आया हूँ इनको, क्योंकि भाई इतनी मेहनत भाई इनको जितना लाने में करी भाई आज तक भाई इतनी मेहनत यहाँ पे कभी हुई नहीं है भाई इस माइनक्राफ्ट में। और मेरे पास खाने का भी कुछ सामान नहीं बचा हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और अभी मेरे को यहाँ पे एक जॉम्बी ना मॉन्स्टर लेकर आना है भाई, सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। तो भाई वो ले लाने के लिए भाई बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। काम करता हूँ यहाँ की स्लैब जो तोड़ी है इसको लगा देता हूँ और बोर्ड को भी तोड़ लेता हूँ यार, बोर्ड का कोई काम नहीं रहेगा। और इसको यहाँ से पानी वगैरह सारा हटाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है पानी पानी हटाने के लिए, क्योंकि भाई इनको लाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी थी भाई, तो इनको हटाने के लिए भाई मेहनत तो लगेगी। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको तोड़ देता हूँ और उसके बाद रात होने का वेट करता हूँ, ताकि भाई यहाँ पे एक मैं मस्त से भाई जॉम्बी विलेजर्स को लेकर आऊँ, या जॉम्बी क्या बोलते हैं कि जॉम्बी या फिर किसी भी मॉब्स को लेकर आऊं, ताकि भाई इसको मस्त तरीके से ये फार्म वर्क करे। और इसको मैं ढक देता हूं यहां से, एक काम करता हूं यहां से बिल्कुल मस्त तरीके से इसको स्लैब लगा देता हूं, ठीक है ये सही है। और ये यहां पे भाई पानी वगैरह सारी चीजें सही से डल गई है, बस भाई इंतजार है रात होने का, ताकि एक जॉम्बी तो वही अंदर फंस ही जाए इसके, ताकि भाई ये जो विलेजर्स इसके अंदर पाव पाव कर रहे ना भाई, वो पाव पाव इनकी बंद हो जाए और इनकी भाई फटके चार हो जाए और ये भाई घूमते फिरे और इतने तेज तेज नाचे भाई कि यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो जाए, तो अपना जो फार्म है भाई बहुत मस्त तरीके से रन करे। तो बस वेट करते हैं भाई रात होने का, और जैसे ही रात होते हैं भाई उसके बाद भाई एक मस्त सा भाई एक खतरनाक तरीके से मॉब पकड़ते हैं। तो फाइनली भाई एक जॉम्बी मेरी तरफ बहुत आसानी से अपनी तरफ अपने आप आता जा रहा है भाई, आ जा बस आ जा मेरे भाई आ जा तुझे बस इसी के अंदर गिरना यार, आ जा आ जा बस। तो इसके अंदर गिर जा, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। हाँ दौड़ ले बीच में से शॉर्टकट तो ले शॉर्टकट ले यार, बीच में से शॉर्टकट क्यों नहीं ले रहा, शॉर्टकट ले यार तू। हाँ शॉर्टकट ले शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट ही नहीं मार रहा यार, कितना होश यार, ये जॉम्बी है भाई। अरे मैं ही गिर गया, अबे मैं ही गिर गया, अरे मैं ही गिर गया, अरे मैं ही गिर गया, अरे बस 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 बैठ गया ना, बैठ गया भाई, फाइनली ये बैठ चुका और सबकी हालत खराब हो चुकी है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से एक ब्लॉक तोड़ के भाई ऊपर निकल लेता हूँ, वरना अपनी हालत खराब हो जाएगी। ओके मैं यहाँ पे एक को लगा लेता हूँ, ओके यहाँ पे बैठ चुका है वो अंदर, ठीक है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उस पर चढ़ के भाई इसको सारे ब्लॉक में तोड़ देता हूँ। हाँ भाई तू चिल्लाते रहे, सबकी हालत वैसे भी खराब हो ही थी अंदर। और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा के मैं यहाँ पे एक स्लैब लगा देता हूँ, ताकि भाई जो टूटा हुआ है वो सही हो जाए। ओके इसे तो अरे यार क्यों तोड़ दिया, पहले उसको मैंने फिर तोड़ दिया उसको, तो वहां तक जब ये पहुंच जा रहा था वो स्लैब क्यों नहीं लग रही है वहां पे, एक स्लैब लगा दो, ठीक है उस स्लैब लग चुकी है। और इसको भी तोड़ो फिर साथ में, बाकी जितने भी विलेजर्स है भाई सारे के सारे परेशान हो चुके हैं। और इस जॉम्बी को भाई मैं बंद करने वाला हूं इसके अंदर ही, ताकि भाई ये कहीं भी बाहर ना जाए यहां से अंधेरे से, ठीक है ओके यहां से मैं इसको बंद करने वाला हूं। ओके इतनी रोशनी रहेगी अगर इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ओके। सारे के सारे विलेजर्स परेशान हो चुके हैं और यहाँ पे अपना आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहा है, और बस यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई, उसकी वजह भाई ये है कि मैंने आसपास कहीं पे भी यहाँ पे स्लैब मुझे यहाँ तक लगाना है, ताकि इस एरिया में 90x90 एरिया में यहाँ पे सब में जितना लगा दूंगा मैं स्लैब, कहीं पे भी आसपास से आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे, वो सीधे स्पॉन होंगे भाई इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो इसके बगल में स्पॉन होंगे यहाँ से, और भाई सीधे नीचे जाएंगे भाई इसके अंदर। तो भाई वेट करते एक आध आयरन गोलम यहाँ पे आए और इसके बाद भाई यहाँ पे स्पॉन हो और अंदर गिरे तो देखने में भी मजा आए, ताकि अपना काम करता हुआ जो फार्म है भाई ये काम करता हुआ वर्थ इट लगे भाई, इतनी मेहनत करी इसको बनाने में। यार आप लोगों को कैसा लग रहा है फार्म, एक बार कमेंट करके बताओ। बाकी देख लो भाई कितना रिस्क हो के मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बस एक आयरन गोलम स्पॉन हो जाए भाई, बाहर तो स्पॉन हुए रहे, बस अंदर स्पॉन करना है भाई।
अंदर स्पॉन हो जाए भाई मजा ही आ जाए। देख सकते हो भाई सारे विलेजेस की वाट लगी पड़ी है, जितना जितना जल्दी स्पॉन होगा भाई उतना जल्दी भाई अपना काम फार्म जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो देखते हैं भाई कब स्पॉन होता है ये, कितनी देर में स्पॉन होता है भाई, इसका वेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बाहर तो स्पॉन हो ही रहे हैं भाई, बस यहाँ पे स्पॉन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे स्पॉन होंगे तो भाई तभी तब ज्यादा सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं भाई कब स्पॉन होता है यहाँ पे। तो फाइनली भाई अपना पहला आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है और अपना फार्म भाई वर्किंग है। तो भाई बहुत देर बाद भाई इसे वेट करने के बाद भाई ये आयरन गोलम आया, तो भाई फाइनली अपना भाई फार्म वर्किंग स्टार्ट हो चुका है और अपना काम भी बहुत मस्त तरीके से भाई चल रहा है। तो इसी बात पे भाई जल्दी से चल के भाई सो जाते हैं, क्योंकि भाई अपनी मेहनत भाई रंग लाई है, क्योंकि अपनों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस फार्म को बनाने के लिए। तो भाई यहीं पे काम करते बेड डाल के सो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ सुबह। अरे यहाँ पे तो सो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी है भाई, यहाँ पे नहीं सो सकता। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके सोता हूँ ताकि भाई आराम से चैन की नींद ले सकूँ, क्योंकि अपनों ने बहुत सारी मेहनत करी है। तो यहाँ पे सो जाते हैं, काम करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली सुबह हो चुकी है और इसी सुबह के साथ भाई अपना फार्म भी काफी सही वर्किंग में है और नीचे भाई आयरन गोलम मस्त तरीके से भाई फैल रहा है, जाके भाई नीचे टूट फूट रहा है, क्योंकि भाई अपनों ने बनाया ही ऐसा ही मस्त तरीके से। तो ये है भाई अपना आयरन फार्म, जो भी भाई बिल्कुल मस्त गेमर फ्लीट भाई की तरह ही बनाया है बिल्कुल मैंने डिट्टो, क्योंकि भाई मुझे बहुत पसंद आया ऐसा फार्म, क्योंकि बनाना भी काफी ईजी है और भाई मस्त लगता भी है देखने में। और आस पास भाई देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे आयरन गोलम स्पॉन हो गए भाई, अब स्पॉन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा दी स्लैब, और स्लैब से क्या होता है भाई कि आसपास के एरिया में यहाँ पे आयरन गोलम कोई भी स्पॉन नहीं हो पाएगा। और एक काम करता हूँ मेरे पास ब्लॉक है क्या यहाँ पे, ओके मेरे पास ब्लॉक है यहाँ पे 64 ब्लॉक है, और इसको ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि अपना फार्म लग कैसा रहा है। काम करते ऊपर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसा लगता है, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगी तो दिखाना तो बनता भाई कैसा बना है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई अपना ट्रेडर भी यहाँ पे घूम रहा है अच्छे से, और यहाँ पे देख सकते हो भाई अपना फार्म क्या ही प्यारा सा लग रहा है, और भाई बहुत मेहनत लगी सीरियसली इसको बनाने में, क्योंकि आसान नहीं है इसे बनाना भाई, क्योंकि इसको भाई बनाने के लिए भाई बिल्कुल परफेक्ट सारी चीजें करनी पड़ती हैं, अगर एक भी ब्लॉक इधर उधर लगेगा तो भाई कुछ भी मतलब वर्क नहीं करेगा, इसलिए तो भाई मेहनत तो लगती है। तो इसी बात पर लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कॉमेंट करके बताओ भाई मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है यार। बाकी इस SMP मेरे साथ खेलना है तो भाई ज्वाइन कर लो अपने डिस्कॉर्ड वगैरह को, वहां पे अपने डेली आते हैं और वहां से भाई अपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, तो ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड को। बाकी कमेंट करके जरूर बताना मेरी वीडियोस कैसी लगती है आपको। बाकी आप लोगों से भाई मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।